हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में एक लाइफ साइंस जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो निकला गया है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स साइंटिफिक इंस्टीट्यूट टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल्स इन द कंट्री ओके

टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्लस एन पी ए एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है, इसके लिए, वो है 50 इसके लिए एक ही पोस्ट है जो है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ठीक है एंड साइंटिस्ट ग्रेड थ्री जो पोस्ट है वो उसके लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट है वन एंड इसका पे मैट्रिक्स लेवल टेन एंड इसका जो सैलरी है वो है फिफ्टी सिक्स वन हंड्रेड टू वन सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस एनपीएफ और मेडिकल पर्सनल ठीक है एंड थर्टी फाइव इसका मैक्सिमम एज लिमिट एंड इसके लिए भी अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है नेक्स्ट जो सीट है वो है जूनियर साइंटिस्ट इसके लिए फोर सीट है यहाँ पे जो लेवल ऑफ uh, पे मैट्रिक्स है वो है लेवल सेवन एंड इसका जो पे स्केल है वो है फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू ठीक है एंड इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है थर्टी इयर्स एंड इसके लिए जो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है जो पोस्ट है वो है ओबीसी के लिए एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए दो पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वन पोस्ट एंड उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट निकला गया है वो पे मैट्रिक्स है लेवल सिक्स एंड इसका पे स्केल है थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड टू वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड मैक्सिमम एज लिमिट थर्टी एंड इसके लिए डब्ल्यू के लिए एक पोस्ट निकला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के भी पोस्ट है तो हम देखते हैं जो बायोलॉजिकल मतलब लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट निकला गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट जो पोस्ट है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फर्स्ट पोस्ट था साइंटिस्ट ग्रेड वन साइंटिस्ट ग्रेड वन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेडिकल जो मेडिकल <coughs> सब्जेक्ट जो पढ़े है उसके लिए भी है और नॉन मेडिकल सब सब्जेक्ट जो है उसके लिए भी है तो नॉन मेडिकल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो केमिस्ट्री और बायो बैक्टीरियोलॉजी और फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी और सेरोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स एंड ए मिनिमम टेन ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ठीक है इसके लिए सब सब्जेक्ट में मास्टर मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड टेन इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दिस रिलेटेड एरियाज़ ठीक है नेक्स्ट जो पोस्ट था वो था साइंटिफिक ग्रेड थ्री पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स वो है मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो बायो फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी, सेरोलॉजी मॉलिकायोलॉजी फ्रामी पर फॉलोइंग थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एक्स्ट्रा ठीक है एंड उसके बाद जो पोस्ट था वो था जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर डिग्री इन ऑल दिस सब्जेक्ट एंड इसके साथ साथ ए मिनिमम वन ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस ठीक है इसके लिए वन ईयर का बस सिर्फ वन ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट जो पोस्ट था वो था लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बी एस सी बायोलॉजी विथ जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड वन ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेडिकल और बायोलॉजिकल लेबोरेटरी ठीक है तो यही था Job notification about life science students. Okay, so thank you for watching this video.